back continue our chapter 4 page number 143 part 4 exercise 4th d open कीजिए स्टूडेंट अपनी बुक में एक्सरसाइज 4th d में स्टूडेंट हमने क्या करना है हमें जो दिए गए फ्रैक्शंस हैं हमने बताना है कि वो अपनी लोएस्ट टर्म में है या नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट वेदर द फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म और नॉट ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज 12/20 हमारे पास नंबर है फ्रैक्शनल नंबर है 12/20 अब हमने स्टूडेंट बताना है कि ये नंबर हमारा लोएस्ट टर्म में है या नहीं उसके पहले स्टूडेंट आपको एक टेबल दिखाई दे रही है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेज नंबर 143 पर फर्स्ट लिखा हुआ है फ्रैक्शन सेकंड इज फैक्टर्स ऑफ द न्यूमरेटर फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर कॉमन फैक्टर वेदर द फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म और नॉट अब हमने स्टूडेंट इसमें क्या करना है हमें सबसे पहले देखने हैं न्यूमरेटर के फैक्टर फिर देखने हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर उन दोनों में से कॉमन फैक्टर है तो इट मीन्स वो क्या है उसकी लोएस्ट टर्म नहीं है अगर कॉमन फैक्टर ओनली वन है तो वो क्या है उसकी लोएस्ट टर्म है तो अब देखिए स्टूडेंट 12 के कॉमन फैक्टर हम क्या क्या निकाल सकते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ओके 4 हो जाएगा इट मीन्स 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हैं 2 है 4 है 1 है तो इट मीन्स इसके क्या है ये लोएस्ट टर्म नहीं है क्लियर बच्चे फिर 20 के निकाले तो 20 के क्या क्या आ गए 2 आ गया 4 आ गया 5 आ गया 10 आ गया तो इट मीन्स इसके क्या है दोनों में कॉमन फैक्टर है 1 से ज़्यादा है इट मीन्स ये इसकी लोएस्ट टर्म नहीं है नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 7/8 7 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं तो ओनली 1 एंड 7 होंगे और 8 के क्या हो जाएंगे 2 4 1 8 इट मीन्स दोनों के कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है इट मीन्स ये क्या है 7/8 लोएस्ट टर्म है क्लियर बच्चे नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट पर एंड सर्किल द फ्रैक्शन विच इज इन इट्स लोएस्ट टर्म वो लिखने हैं हमें जो अपनी लोएस्ट टर्म में है फर्स्ट 4/8 क्वेश्चन नंबर 1 4/8 क्वेश्चन नंबर 1 का 2/4 इसी का 1/2 एंड 5/10 अब हमने बताना है स्टूडेंट इनमें से लोएस्ट टर्म कौन सी है 4/2 की क्या हो जाएगी 2/4 हो जाएगी 1/2 हो जाएगी इट मीन्स इसकी नहीं है ये लोएस्ट टर्म 2/4 की हो जाएगी 2/4 एंड 1/2 एंड 1/2 की क्या हो जाएगी ओनली 1/2 है 5/10 की हो जाएगी 1/2 5/10 इट मीन्स इसकी लोएस्ट टर्म सबसे क्या है 1/2 इसके आगे और छोटा नहीं कर सकते इसको हम सो ये 1/2 क्या है लोएस्ट टर्म है नेक्स्ट चलिए 14/10 क्वेश्चन नंबर 2 14/10 एंड 5/7 नेक्स्ट 15/21 30/42 अब इसमें से हमने बताना है लोएस्ट टर्म कौन सी है लोएस्ट टर्म कौन सी होती है स्टूडेंट जिसके अलग अलग फैक्टर नहीं होते न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बाकी के नंबर्स के क्या होंगे फैक्टर्स होंगे कॉमन फैक्टर होंगे अब देखिए स्टूडेंट 14/10 के अनदर फैक्टर होते हैं 2 है 5 है जैसे डिनोमिनेटर का 5 है इसका क्या है 2 है 7 है अब ये इसकी स्टूडेंट 5/7 इसके हम और छोटा इसको नहीं कर सकते ये क्या हो गई इसकी लोएस्ट टर्म हो जाएगी इससे छोटा नहीं हो सकता ये 15/21 को भी हम छोटा कर सकते हैं स्टूडेंट 3 से कट कर सकते हैं 3/5 = 15 3/7 = 21 इसको भी हम नेक्स्ट छोटा और कर सकते हैं 14/10 को भी छोटा कर सकते हैं 2 से कट कर सकते हैं 2/7 = 14 2/5 = 10 सो 5 अपॉन
पक्का नहीं कर सकते। सो ये क्या हो जाएगी, लोएस्ट टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट चलिए पार्ट सी पर, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू इट्स लोएस्ट टर्म। इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं सी पार्ट में, हमने उनकी क्या लिखनी है, लोएस्ट टर्म लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या है, 10/20 है, इसकी हम लोएस्ट टर्म कैसे बनाएंगे, सेम टेबल से कट करना है इनको। तो सेम कौन से टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 10 के टेबल में। तो 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 1/2 क्या हो जाएगी, लोएस्ट टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसको अनदर एग्जांपल से देखिए, 21 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, 21/28, अब हमने इसकी लोएस्ट टर्म बनानी है, सेम टेबल से कट करना है, तो दोनों किसके टेबल में आ रही हैं, ये 7 के टेबल में आ रही हैं, तो 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 3/4 क्या हो जाएगी, 21/28 की लोएस्ट टर्म हो जाएगी। क्लियर बच्चे, समझ आ गया आपको, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम।